जैसे आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि ये कमेंट करने का, अपने काफ़ी लोगों के DPO पे देखा होगा कि कमेंट कमेंट का वो चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा कि कौन ज़्यादा फैंसीज वो करेगा। तो यार आपको कहीं कहीं से देखने पड़ते हैं, तो यार इस ऐप में जाके आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे ट्रैक है अपने हिसाब से, तो कुछ में उनमें पहले से ही सेट करना पड़ता है तो वो सेम टू सेम जाते हैं। इसमें सेम टू सेम जाने का कोई पॉसिबल ही नहीं है, सेम टू सेम जाने का। तो यार आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो यार, बहुत सारे कमेंट हैं, तो आप अपने देखिए कितने सारे इसमें। ये आर्ट बहुत सबसे ज़्यादा शानदार लगे कि जो देखिए ये आर्ट को आप किसी भी कमेंट पे, नॉर्मल कमेंट पे भी लिखोगे तो यार वो कमेंट इतना शानदार लगेगा, इतना बड़ा दिखेगा, हाईलाइट होगा और शो करेगा। तो देखिए कितने सारे हैं, नीचे देखिए स्क्रॉल करते जाइए, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए तो यार बहुत अच्छे कीबोर्ड है, तो आप यूज करें। और भाई क्या हालचाल। तो देखिए आज मैं आपके लिए कमेंट कीबोर्ड लेके आया हूँ यार, जो कमेंट आपको फैंसी कमेंट करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार से कहीं कहीं से CPU सेट करनी पड़ती हैं और बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यार अब आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक ऐसा कीबोर्ड लेके आया हूँ कि जिस कीबोर्ड से आपको बस ओनली अपने अकॉर्डिंग आप फैंसी कुछ भी कमेंट बना सकते हैं यार। यहाँ से बस आपको एक ही कीबोर्ड में कहीं और जाना नहीं है, मतलब बस इसको स्क्रॉल करोगे तो कुछ आ जाएगा जो आपको चाहिए, उस टाइप के इमोजी, उस टाइप के आर्टिकल, उस टाइप के फैंसी नाम वगैरह बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर। देखिए ये देखिए मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, देखिए इस टाइप से आपको फैंसी बहुत कुछ मिलेगा। तो करते हैं तो सेटिंग में जाके इनेबल करते हैं, ठीक है। इनेबल करना तो आपको आता ही होगा, तो इनेबल जैसे ही आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो इनेबल करना है। तो देखिए ये स्टेप है चल कर रहा हूँ मैं कुछ, तो आपको भी सेम टू सेम स्टेप कर लेना है, जैसे कि आपके फ़ोन के हिसाब से करना है कि आपके मैनेज कीबोर्ड कहाँ से होता है, सेटिंग में जाके सेटिंग में जाके इसको मैनेज कर सकते हो, और वैसे डायरेक्ट इसको इस ऐप पर जाके भी मैनेज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर थीम्स वगैरह भी हैं, तो आप डार्क थीम्स, और देखिए काफ़ी सारे फॉन्ट हैं, तो जो भी फॉन्ट आपको चाहिए उस पर सब पर टिक लगाए, अगर जो नहीं चाहिए आपको तो उसको आप अनटिक कर सकते हो यहाँ से और उसको बैक कर सकते हो। तो देखिए काफ़ी सारे फॉन्ट हैं, देखिए आपको तरह तरह के कमेंट करने में बहुत आसानी होगी, आपको जिस फॉन्ट पर कमेंट करना आपको उस फॉन्ट पर कमेंट कर सकते हो, और जिस स्टाइल में करना उस स्टाइल में आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत कुछ है यार इस ऐप के बारे में, मैं आपको क्या बताऊँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाना कलर सेटिंग में, और यहाँ इसको 300 पे कर देना ओनली, देखिए 100 पे कर दोगे तो इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ से देखिए फ़ोटो कीबोर्ड, यानी इस कीबोर्ड के बैक में आप अपना फ़ोटो भी लगा सकते हो, और देखिए इसकी स्पीड देखिए कितना फास्ट चल रहा है यार। तो थोड़ा सा अभी मैं स्लो टाइप कर रहा हूँ क्योंकि साथ में आपसे बात भी कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड कम है मेरा, हो गए तो बहुत ज़्यादा स्पीड आएगी। तो देखिए यहाँ से स्क्रॉल करना है, देखिए मैं आपको बता, देखिए ये सब कुछ आप अपने फैंसी कमेंट में ऐड कर सकते हो। देखिए मैं आपको एक एक करके दिखाते जा रहा हूँ कैसे करना है, देखिए कितने सारे वो हैं, देखिए ये देखिए इस टाइप के आप आर्ट्स ले सकते हो, देखिए बहुत सारे हैं। देखिए आप नीचे तक स्क्रॉल करोगे तो यार ये ख़त्म ही नहीं होगा, और भी इधर स्क्रॉल करते देखिए इस टाइप के आप बहुत कुछ ले सकते हो यार, देखिए। और इस टाइप से इतनी फैंसी कमेंट होंगी कि आपको कोई भी कमेंट के लिए आपको अब CPU सेट करने के लिए नहीं सेट करना पड़ेगा, 1 घंटे में पहले CPU सेट की जाती थी, अब ओनली इस कीबोर्ड को जिस पर भी कमेंट करना है आप उस कमेंट कर सकते हो। देखिए इस टाइप के बहुत सारे आर्ट है इसमें, देखिए और बहुत सारी लैंग्वेजों के में सपोर्ट करता है। तो देखिए बहुत अच्छा कीबोर्ड है ये, तो अब इस कीबोर्ड को देखिए बहुत कितने आर्टिस्ट और कितने सारे फॉन्ट है देखिए। तो यार ये देखिए फॉन्ट तो यार एक नंबर है यार यहाँ पे, और इसमें आपको तरह तरीके के फॉन्ट, क्लिप बोर्ड वगैरह बहुत कुछ ऐसा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और नॉर्मली है जो भी आपको यूज करना है आप उसको स्क्रॉल करोगे और यहाँ पर जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, जिस फॉन्ट पर लिखना है उस फॉन्ट पर लिख सकते हो, यही इसकी खासियत है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में टाइप करके दिखा देता हूँ, देखिए किस टाइप के फॉन्ट है। तो देखिए फॉन्ट देखिए किस टाइप के हैं, तो काफ़ी सारे हैं, तो आपको थोड़े थोड़े करके एक एक दो दो फॉन्ट दिखा देता हूँ किस टाइप से काम करेंगे, और देखिए वो कैसे करना है। तो देखिए ये देखिए क्या शानदार की इसमें यार फॉन्ट सबसे मेन लगा मेरे को, फॉन्ट और जो इसके जो वो हैं आर्टिस्ट वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो देखिए कितने सारे फॉन्ट है, देखिए आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा दिखा रहा हूँ मैं, काफ़ी सारे हैं तो मैं सारे तो दिखा नहीं पाऊँगा, तो एक एक करके आपको थोड़े बहुत दिखा देता हूँ, बाकी का आप जैसे ही डाउनलोड करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कैसा है, तो क्या इसका यूज़र इंटरफेस है। तो यार बहुत अच्छा लगा
इसको देखने के बाद तो यार जैसे ही आपको जिस टाइप के भी कमेंट करने यार उस टाइप के कमेंट कर सकते हो इस कीबोर्ड से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस टाइप के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो यार इस टाइप का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। और देखिए कितने सारे फॉन्ट है, आपको इस टाइप का फॉन्ट और कहीं नहीं मिलेंगे यार इस टाइप के ऐप पे। और ये देखिए कितने हैं, देखिए ये बंदूक वाला था, देखिए ये आपको कमेंट में देखिए इस टाइप के कमेंट आप कर सकती हो। जैसे लाइक नहीं करते वीडियो को और सब्सक्राइब भी नहीं किया यार आपका, काफ़ी सारा देखा था मैंने एनालिटिक में तो यार बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।